अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर डायरेक्टर की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FilmoraGo की। तो दोस्तों, FilmoraGo एक वीडियो एडिटर है। तो वीडियो एडिटर है तो इसमें एक खास फीचर तो आपको मिलता है, एक से ज़्यादा खास फीचर आपको देखने मिलते हैं जो किसी भी दूसरे एंड्रॉयड एडिटर में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर में भी। लेकिन कुछ ऐसे फीचर दोस्तों वो हैं जो पावर डायरेक्टर में मिल जाएंगे, काइन मास्टर में मिल जाएंगे, लेकिन वो FilmoraGo में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी की कुछ खास बातें होती हैं और कुछ खास नुकसान भी होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा कि इस पूरे वीडियो में फुल ट्यूटोरियल आपको बताने वाला हूँ कि कैसे FilmoraGo को यूज़ किया जाए। तो बेसिकली अगर आप कुछ ज़्यादा हार्ड एडिटिंग वगैरह नहीं करते, आपको चाहिए सिंपल में प्रोफेशनल चीज़, तो आप FilmoraGo का यूज़ कर सकते हैं। और मेन बात, इसमें ऐसा वाटर मार्क नहीं आता है काइन मास्टर का जो आप हमेशा यहाँ पर देखते हैं, तो वो चीज़ आपको FilmoraGo में देखने को नहीं मिलती। वाह क्या बात है, तो क्या होगा? तो लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मिलता है, यहाँ पर ऑटो जो है FilmoraGo का आता है, जिसमें बस 5 सेकंड में FilmoraGo लिख के अपने आप बंद हो जाता है वो, ठीक है। तो वो उतना देखने में ख़राब भी नहीं लगता है और काम भी दोस्तों अब आपका हो जाता है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए हमने इस पहले दो वीडियो दोस्तों बना के रखे हैं काइन मास्टर के ऊपर और दूसरा दोस्तों है पावर डायरेक्टर के ऊपर। तो उन दोनों वीडियोस को जाके देख लो, अगर आपने जाके नहीं देखा है तो उनमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे एडिट करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं मोबाइल की दोस्तों स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कैसे पावर डायरेक्टर को यूज़ किया जाए। तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है FilmoraGo को दोस्तों। तो इसका साइज़ तकरीबन 37 MB के आसपास पड़ेगा, तो काइन मास्टर से 200 कम MB का हो जाता है। काइन मास्टर में आपको 100 MB लगाना पड़ता है, पावर डायरेक्टर में आपको 50 से ज़्यादा MB लगाना पड़ता है। तो इस हिसाब से इसका MB तो कम है। तो सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो को एडिट करने के लिए क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको उसका वीडियो को चूज़ करके उसे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बीच में अगर आप उसको सेव करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा माय सेव प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक दो काम करके रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सेव बता रहा है। और आप भी अगर करेंगे तो आप भी पहले 2-4 को वीडियो एडिट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, तो वो हो गया। तो सबसे पहले हमें तो एडिट करना है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्रिएट अ न्यू वीडियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी फोटोज़ और वीडियोस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और जो फोल्डर में होगा नीचे उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिलहाल डाउनलोड में है मेरा, तो 2-4 को यहाँ पर से वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से आप वीडियो को देख भी पाएंगे कि कैसा वीडियो है प्ले के बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑडियो बंद कर दिया जाए और यहाँ पर से प्ले करके आप देख पाएंगे दोस्तों कि कैसा वीडियो है आपका और कितने वीडियो का आपने सिलेक्ट किया। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो 2-4 वीडियो को हम दोस्तों जल्दी जल्दी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप भी जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो हो गया काम हमारा, अब करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे वीडियो, हमने 3 वीडियो को सिलेक्ट किया है, तो करते हैं यहाँ पर से नेक्स्ट। और हमारा दोस्तों काम यहाँ पर हो जाता है, वीडियोस हमारी आ गई हैं और यहाँ पर आपको एक सिंपल सा दिखने वाला इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसमें दोस्तों क्या करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर इस साइड में नज़र चीज़ें आ रही हैं तो इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल बताता हूँ। पहला आपका है थीम, तो थीम का इस्तेमाल आप उस तरीके के से कर सकते हैं जैसे कि आपको स्टोरी बता रहे हैं, कोई भुतावा स्टोरी हो तो उस हिसाब से इसकी थीम आप रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप कोई अगर पुराने ज़माने को चीज़ बता रहे हैं तो ब्लैक एंड वाइट 90s का जैसे होता है थीम, वो सब चीज़ें दोस्तों वो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों वो थीम जो है वो सिलेक्ट होता है, ऐसे ये कोई पुराना ज़माना का कहानी आप बताएं तो इस तरीके की थीम आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो जिस टाइप की आपकी वीडियो उस टाइम की अगर आपको थीम मिलती है तो ज़रूर से लगाएं, वीडियो और भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। नहीं मिलता तो छोड़ दो यार, आगे बढ़ते हैं म्यूज़िक पे। तो नाम से भी आपको समझ आ जा रहा होगा, यहाँ पर से आप आपकी जो ऑडियो होती है जो आप वॉइस ओवर कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर कोई हमारा वीडियो या फिर कोई बैकग्राउंड ऑडियो होता है, सॉन्ग होता है, वो हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम ये वाला लगा देते हैं एडवेंचर का, और इसकी जो लंबाई वगैरह है जहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से ख़त्म होगा उस चीज़ को दोस्तों अपने हिसाब से हम ठीक यहाँ पर से कर पाएंगे। फिर करते हैं ओके, और ये चीज़ लग गई तो इसे हम अपने हिसाब से बैठा लेते हैं, कहाँ लगाना है, कहाँ तक ख़त्म करना है, अब वो चीज़ आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। करते हैं ओके, तो म्यूज़िक हमारा लग गया। फिर आता है ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन मुझे FilmoraGo का सबसे अच्छा लगता है, तो ट्रांजैक्शन है FilmoraGo बाजी मार लेता है एंड्रॉयड में दोस्तों, क्योंकि इसके जैसे ट्रांजैक्शन आपको नहीं मिलते काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर में। वो बता लें कि आप पैसे देख कर डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फ्री में मिल रहा है यार, और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, ये एकदम सिंपल वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये वाला, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो
ये कैसा है, और देखो ये एक और है। तो दोस्तों ये सब में आपको टाइमिंग वगैरह को सेट करना नहीं पड़ता, ये पहले से सेट होके आते हैं, तो ये भी काम अच्छा है। उतना झंझट है मत पड़ो कितना टाइम रखना चाहिए। तो ये देखिए कितना अच्छा दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन ये देखो, तो ख़तरनाक ख़तरनाक ट्रांजेक्शन एकदम यहाँ पर आपको देखने को दोस्तों वो मिल जाते हैं। तो इनका क्या कहना, तो आपको जो पसंद हो जैसे ये वाला है तो यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर आपको दूसरा में लगाना है वहाँ प्लस पे क्लिक करिए, और एक और यहाँ पे दोस्तों ट्रांजेक्शन है तो ये वाला भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है करते हैं ओके। ट्रांजेक्शन की तो बात देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे ट्रांजेक्शन आपको पावर डायरेक्टर फिल्मोरागो में देखने को दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आता है रेशियो और क्रॉप, तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आप कर पाएंगे सिनेमैटिक लुक देने में अपनी वीडियो को, जैसे कि यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है आपको 16:9 का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा यानी हो जाएगा 21:9। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिनेमैटिक वीडियो बना पाएंगे। तो अगर आपको इंस्टाग्राम की वीडियो बनानी है तो एक और बार क्लिक करो और ये आ जाएगा 1:1 में, तो जहाँ पे 1:1 की वीडियो लगती है इसे बना के दोस्तों वह लगा दो। तो सिंपल हमें अभी 16:9 ही का रखना है, तो हम इसे यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद काम दोस्तों वो हो जाता है। उसके बाद आखिरी टूल आता है, वो आता है एडिट टूल। तो एडिट टूल आप जो भी वीडियो को एडिट कर रहे हैं उस पर क्लिक करिए, और तब आप एडिट टूल पर क्लिक करिए। ऐसे यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, अपने आप दोस्तों वो एडिट वाला पूरा काम है ये ओपन हो जाता है। अगर ये नहीं होता है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा, और किस वीडियो में ये हो रहा है वो आपको सामने दोस्तों वो दिखाई दे देगा। ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इन सारे ऑप्शन का आप यूज़ आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई भी दिमाग को ख़राब करने वाली बात नहीं है। पहले आपका डिलीट बटन, आप जानते हैं डिलीट करेंगे तो ये फोटोज़ जो है वो डिलीट हो जाने वाली है। डुप्लीकेट का इस्तेमाल समझ गए, डुप्लीकेट आप क्लिक करेंगे तो इसकी जैसी एक और वीडियो बन जाएगी। एडजस्टमेंट्स पर जाएंगे तो ये सब वही सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आ जाती है। आपका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, यही सब चीज़ें दोस्तों है। तो करते हैं ओके, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए अभी। स्पीड आप समझ गए होंगे, रोटेट है यहाँ पर। स्पीड की बात करें तो 4x तक दोस्तों आप फास्टर अपनी वीडियो को यहाँ पर कर पाएंगे। फिर आ जाता है थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर काम है, वो है टाइटल्स। तो टाइटल्स पे क्लिक करेंगे तो बना बनाया हुआ यहाँ पर आपको टाइटल मिल जाएगा, टेक्स्ट मिल जाएगा जो आप अपने वीडियो में डाल पाएंगे। तो ये देखिए इसमें एनिमेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें वो पहले से डाली हुई हैं, और आपको इसमें अपना जो नाम वगैरह कुछ भी लिखना है तो डबल टैप करिए इसके ऊपर, और जो भी नाम वगैरह कुछ भी दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर लिख पाएंगे, तो वो काम आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपना ही नाम लिख दिया, और एक बार लिखने के बाद आप जो जिससे भी क्लिक करेंगे वो नाम वैसा ही रहेगा, लेकिन जो उसका एनिमेशन वगैरह होता है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है वो कर पाएंगे एडिट। तो पावर डायरेक्टर इसीलिए दोस्तों सबसे अच्छा है क्योंकि एकदम सिंपल वे में काफ़ी प्रोफेशनल वीडियो आपकी यहाँ पर एडिट दोस्तों वो हो जाती है। तो एक एक करके मैं आपको सब दिखलाऊँ, तो ये देखो यार कितना अच्छा एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा आपको बड़ा ही नहीं करते हैं और इसे ओके रख देते हैं। ठीक है उसके बाद आता है एलिमेंट्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ तरीके आपको इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे ये तारे टमटमा रहे हैं, लीव्स भीगने जा रही है, फॉग है। ठीक है तो फॉग को ही ओके करते हैं। उसके बाद आता है फिल्टर, तो वो फिल्टर दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छा बात मुझे फ़िल्टर में ये लगा कि इसकी दोस्तों वो आप जो है वो यहाँ पर ये कम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ जो होता है वो अपने हिसाब से आप रख पाएंगे, जो आपको पावर डायरेक्टर में भी देखने को नहीं मिलता है ना ही काइन मास्टर में मिलता है। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छा है क्योंकि आपको जितना चाहिए वो फ़िल्टर आप उतना ही रख पाएंगे, और इसकी मदद से आप कलर करेक्शन भी आराम से दोस्तों वो कर पाएंगे। तो इसको रखते हैं कम, 21% है वो ठीक लग रहा है, करते हैं ओके। उसको जाता है ऑडियो मिक्सर, तो इससे ये होगा दोस्तों कि आपकी जो मेन जो वीडियो है उसकी ऑडियो कितना रखना चाहते हैं, म्यूज़िक का कितना रखना चाहते हैं। वॉइस ओवर तो मैंने डाले नहीं तो इसीलिए यहाँ पर कट वाला बता रही, वॉइस ओवर तो है नहीं, तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ों को मैनेज यहाँ पर दोस्तों वो कर पाएंगे। तो ये काम दोस्तों वो हो जाता है। ठीक है इसको कैंसिल करते हैं अभी फिलहाल के लिए। फिर आता है PIP, यानी आप यहाँ पर एक फ़ोटो लेयर को भी दोस्तों यहाँ पर लगा पाएंगे। तो यहाँ क्लिक करिए, प्लस पे क्लिक करिए, और यहाँ पर दोस्तों आपका फ़ोटो लेयर सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप दोस्तों वो एक फ़ोटो लेयर लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो लेयर का ऑप्शन नहीं मिलता है, और फोटो लेयर बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़े से आपको इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वो ठीक है करते हैं ओके।
के यहाँ पर से। उसके बाद दोस्तों आता है सब टाइटल, यानी यहाँ से आप कोई भी टाइटल लिख पाएंगे जो आप चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर दिखलाएं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करता हूँ। ये सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है पावर डायरेक्टर का, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे टाइटल्स मिलते हैं, ऐसे आपको यहाँ पर एनिमेशन मिलते हैं जो आपको पावर डायरेक्टर और भैया काइन मास्टर में भी देखने को नहीं मिलते। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों डबल टाइप पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ही चीज़ लिखेंगे जो आपको इस वीडियो पे दोस्तों वो करना है, वो है सब्सक्राइब। ठीक है, तो गलती से हमने कट वाले बटन पर दबा दिया है, तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब लिखते हैं, फॉन्ट लगाते हैं, करते हैं ओके। ठीक है दोस्तों, आप भी इस वीडियो को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले ऐसी वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर इतने ख़तरनाक एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों इधर, जैसे कि ये जूम वाला हो गया, फिर स्लाइड वाला हो गया दोस्तों वो। ठीक है, फिर आप देख पा रहे हो, मैं सबसे पहले इस चीज़ को हटा देता हूँ। ये चीज़ को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर हटाते हैं, फॉक्स चीज़ को भी थोड़ा हटा देते हैं, फ़िल्टर वगैरह, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से दोस्तों वो दिखला पाऊँ। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ छोड़ दिया, वो रहा ओवरलेज। ओवरलेज में भी सेम वही काम होता है कि यहाँ पर आप ये देखिए यार, कुछ नए नए इफेक्ट, पुराने ज़माने का वीडियो रिकॉर्ड ये सब कर पाएंगे। तो मैं आपको अच्छे से दिखला, तो पहले इसको हटाते हैं, इसको यहाँ पर दोस्तों वो नन रखते हैं। ठीक, अब आप देख पाएंगे तो यहाँ पर ओवरलेज बन जाएंगे। तो यहाँ पर अपने स्टोरी के हिसाब से, अपने वीडियो के हिसाब से आप यहाँ पर ये सब चीज़ें लगा सकते हो, पुराना ज़माना का, 90s का जो टीवी झिमझिमाता रहता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे फिलहाल अपना सबटाइटल्स के ऊपर, आ जाते हैं सबटाइटल्स में। हमने ये डाला था, तो मैं आपको यहाँ का एनिमेशन थोड़ा दिखला देता हूँ। तो ये देखिए कैसे कैसे एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। सबसे अच्छा रहता है क्लिच वाला, देखिए क्लिच। तो ये क्लिच इफेक्ट डालने के लिए काइन मास्टर को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, काफ़ी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पर बना बनाया आपको मिल जाता है। और ये देखो यार, यहाँ पर एनिमेशन की कोई कमी नहीं है, एकदम कुछ भी एकदम ख़तरनाक वाला मिल जाता है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, तो ऐसा देखने पे ख़तरनाक हो जाता है आपका काम। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको इसी टाइप के देखने एनिमेशन आपको यहाँ मिल जाते हैं, तो इनमें से जो भी पसंद हो लगा लेना। फिर आता है क्रॉप, आप समझ गएंगे वीडियो क्रॉप करना है। ट्रिम, आप समझ गएंगे कि आपको इसको ट्रिम आप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, लेकिन बीच में से कोई ट्रिम करने का ऑप्शन मुझे मिला नहीं, तो इसीलिए आप साइड साइड से ही बस ट्रिम इसे कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरा टूल्स का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर कर पाएंगे। तो यही था पूरा ट्यूटोरियल, कैसा लगा दोस्तों आपको तो कमेंट में ज़रूर से दोस्तों बताइएगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों आप ट्रांजेक्शन वगैरह सब हमने लगा दिया। बात करते हैं एक्सपोर्ट का, तो काइन मास्टर या फिर दूसरा जो पावर डायरेक्टर होता है उसमें आप कोई भी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो होता है 10 मिनट का, लेकिन लगता है 20 मिनट एक्सपोर्ट करने में, जो पावर डायरेक्टर में नहीं होता है। वीडियो हमने बनाई है लगभग 52 सेकेंड्स की, 52, इसको एक और कम कर देते हैं, इसको फुटेज को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ डिलीट करते हैं, आप करते हैं सिर्फ कितना 35 सेकेंड्स की ये वीडियो बनी है। तो अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा तो 35 सेकेंड्स ही लगेंगे, जैसे कि मैं बता दूँ। सेव पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये चल रहा है बैकग्राउंड में, देखिए आप हमारा वीडियो भी चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑट्रो होगा पावर डायरेक्टर का वो भी 5 सेकेंड का आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें छोड़ दो यार, क्योंकि यहाँ पर कोई वाटर मार्क आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि साथ साथ आपका दो वीडियो भी चल रहा है बैकग्राउंड में और आपका यहाँ पर सेव भी हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे वीडियो का लेंथ है वैसा वैसा आपका एक्सपोर्ट का है, और जैसे कि आप 35 सेकंड होने वाला है, और यहाँ पर भी दोस्तों हमारा जो कंप्लीट हो गया, देखो साथ में हो दोनों। ठीक है, आप देखो बैकग्राउंड में पावर ट्रैक्टर का, सॉरी फिल्मोरा का एक ऑटो आ गया, काम हो गया, और हमारी वीडियो हो गई सेव। यहाँ से आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वगैरह में शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले गैलरी में हम सेव कर लेते हैं, सेव टू कैमरा रोल, और बस काम दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वीडियो को एडिट कर पाएंगे फिर मोरा गो में। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आने वाले ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दोस्तों दबा ले। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।